बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को हराने में दलित समाज ने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद बीजेपी ने दावा किया कि उन्हें हर समाज का पूरा समर्थन इस बार मिला है। बीजेपी ने कहा कि खासतौर पर दलित समाज ने पूरा समर्थन, पूरा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में दिखाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत दिल्ली के दलित अनुसूचित समाज का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 12 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में से 9 विधानसभाओं के मतदाताओं ने बीजेपी का साथ दिया। तो ऐसी 9 सीटें हैं जहां हमारे दलित भाई बहन जो जिनका वहां आरक्षित सीटें हैं और जिनके बारे में ये झूठा प्रचार किया करते थे कि, लेकिन उन सब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके कार्यों को स्वीकार किया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, जिस कारण उन 9 सीटों पर हमारी विजय हुई है। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने कहा कि बीजेपी अब अनुसूचित जाति समाज के हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीट पर जीत इस बात की गवाह है कि देश का अनुसूचित समाज पीएम मोदी के साथ है। योगेंद्र चंदेलिया ने कहा कि गठबंधन को हराने में बड़ा योगदान दिल्ली के अनुसूचित समाज का भी है। मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और उत्तर पश्चिम लोकसभा का मैं सांसद हूं। दिल्ली की सबसे बड़ी वह लोकसभा है और लोकसभा के अंदर जो लोकसभा आरक्षित होती है वह लोकसभा आरक्षित होती है जिसमें अनुसूचित जाति का वोट ज़्यादा होता है। यह मेरी जीत इस बात का संदेश दे रही है, दिल्ली का दलित समाज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरे इस क्षेत्र में 3 हमारी विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से 2 सीट हमने जीती हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने कहा कि गरीबों और दलित समाज के अंदर जो संविधान बदलने का भ्रम विपक्ष ने फैलाया उसको लेकर बीजेपी लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो आरक्षित सीट नहीं जीत पाई उसमें हार का अंतर भी काफी कम है। राजकुमार चौहान ने कहा कि केजरीवाल सरकार दलित विरोधी सरकार है। 12 में से 9 सीटें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन सचदेवा जी जो सीटें हम लोग हारे भी हैं उसमें भी बड़े कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। अगर वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत और हो जाती तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 12 की 12 सीटें हम लोग ये जीतते हैं, जो ये दर्शाता है कि आज का जो माहौल है दलित समाज का इस आम आदमी के अगेंस्ट हो गया है। बीजेपी ने कहा कि विरोधी दल विपक्षी हमेशा जनता को गुमराह करते हैं कि दिल्ली में भाजपा त्रिकोणीय मुकाबले में ही जीत पाती है, लेकिन इस बार दिल्ली बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से इसे गलत साबित कर दिया। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।